आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4161। माननीय अध्यक्ष जी, खंड एक, वर्तमान खंड एक सबको कहा हुआ है। वर्तमान में प्रदेश की 25,500 सक्रिय राशन की दुकानों पर डिजिटल वे ब्रिजेस उपलब्ध कराकर नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पॉस से जोड़ा जा चुका है। विवरण प्रशिष्ट एक पर संलग्न है तथा शेष उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण प्रशिष्ट दो पर संलग्न है। उक्त शेष दुकानों के सक्रिय होने पर आवश्यकता अनुसार डिजिटल वे ब्रिजेस नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पॉस से जोड़े जाने हेतु समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। खंड दो, जी हाँ, उक्त सेंटर हसनपुरा जयपुर में आवंटित भूमि पर निर्मित किया जाने जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। खंड तीन, जी नहीं। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न संख्या एक, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो सुविधा और मध्यस्थता केंद्र बनाया जाने वाला था धीरे और उस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसके लिए निर्वाचित मंत्रीगण ही जिम्मेदार रहेंगे या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता विषय गतिविधियों के संचालन एवं उपभोक्ताओं का न्याय प्रदान करने हेतु फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर मध्यस्थता केंद्र जयपुर में दिनांक 19/10/2015 को उपभोक्ता भवन के निर्माण हेतु बंगला नंबर 1B हसनपुरा जयपुर की संपूर्ण भूमि एवं बंगला नंबर 1A के पीछे खाली भूमि जमीन लगभग 600 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटित भूमि पर बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था, पर बजट के अभाव में 2023-24 में इसका कार्य नहीं हो पाया था। माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या पूरक दो, 4,36,13,000 उपभोक्ताओं से जुड़ी राशन की दुकानें क्या इस समय बंद हैं और जनता राशन से मरहूम है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के POS मशीनें ज्यादातर जिलों में लौटा दी हैं? आप अरे मंत्री, कृपया बीच में मत बोलिए, जो मैं बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ, मत करो, मेरे को आपसे पूछने की जरूरत है क्या? अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जयपुर की बात थी, बाद में सदन के बाद मरहूम है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, एक, अरे आप मंत्री की बात सुनो, एक तारीख से राशन डीलर कुछ अपनी मांग रख रहे हैं एक तारीख से, तो हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और जरूरी इसका जल्दी समाधान करा के उचित मूल्य की दुकान से गरीब निर्धन जो लोग हैं उचित जो उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न श्री अरुण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 359। माननीय मंत्री जी,